ग्राम पंचायत विभाग के जन योजना अभियान के अंतर्गत मंगलवार को मंडलायुक्त कार्यालय में नवनिर्मित सभागार में एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत विभाग के मंडली उप निदेशक समरजीत यादव की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलन करने के साथ किया गया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी, पत्रकार और ग्राम प्रधान पार्षद मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पंचायत विभाग के मंडली उप निदेशक समरजीत यादव ने बताया। उस पे हम चर्चा करने के लिए सही प्लान बनाए। लेकिन सर ये ग्राम पंचायत विकास योजना में इसमें मैंडेटरी कर रखा है, इतनी स्वीकृति ग्राम सभा देगी, 2.5 लाख तक के यू पंचायत, 4,99,000 तक डीपी। टाइम फ्रेम है इसमें हर गांव तक हम पहुंच सके, अपनी योजना को बता सके, लोगों की जागरूकता को हम इतना फैसिलिटेटर गांव में जो फैसिलिटेट करेगा उसका हर गांव में लगभग सभी जगह चयन हो चुका है, उसकी भूमिका है वो सर 60 में लिखा हुआ है, इसको क्या करना है बहुत ही जरूरी है। श्रमदान से कोई अगर सड़क हम बना सकते हैं थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो उसको भी हम लागत में डाल देते हैं, जबकि हम जानते हैं कि हम अगर 10 मिलकर श्रमदान हो सकता है। ये सब भी हमें सब फोकस करना है और ये भी ग्राम पंचायत में बताना है आपको ही सब मिलेगा कि इन्होंने क्या नया किया है जो अभी तक नहीं हो रहा था। क्योंकि प्रधान जी अपना कुछ अनुभव जो आपने बेहतर किया उसको साझा करें। समरजीत यादव, डिप्टी डायरेक्टर गोरखपुर मंडल। ये एक दिवसीय जो है जीपीडीपी ग्राम पंचायत विकास योजना की कार्यशाला है, जिसमें मीडिया से जुड़े लोग, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो अच्छा काम हमारे मंडल में किए उन प्रधानों को बुलाया गया है। कोटली पे प्राइस ब्लॉक से हैं, करतौरा हैं वो गौरी बाजार देवरिया से, तीन लोगों को जो अच्छा काम किए उनके अनुभव शेयर करने के लिए और जो हमारे देश में अच्छा काम किए उनके बैट्स भी दिखाए गए हैं और योजना कैसे बनती है, कैसे अपलोड होती है, कैसे पेमेंट होता है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज सबको बुलाया गया है। और इस तरह की कार्यशाला अब जिलों में होंगी, ये मंडल स्तर पर बुलाई गई थी, अब जिलों में भी इस तरह के लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए। जीपीडीपी ऐसी योजना है जिसमें गांव पंचायत के लोग खुद अपने विकास के बारे में जो प्राथमिकता तय करते हैं और जो छूट गए हैं समाज से जो वर्ग, उनके लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए कैसी योजना बनाएंगे, ये जीपीडीपी में बताने के लिए आज बुलाया गया था सबको।